राजन। प्रणाम ब्राह्मण देव। चिरंजीवी भवा। क्या हुआ राजन, क्यों इतनी चिंता में हो? मैं इस महल को जब भी बनवाना चाहता हूं, लेकिन जितना भी निर्माण दिन में करवाता हूं, रात को सब धराशायी हो जाता है और सुबह देखने के लिए कुछ नहीं बचता। राजन, मैं इस समस्या का हल जानता हूं, परंतु आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूं, यदि आपको बुरा न लगे तो। हाँ हाँ पंडित जी, जरूर कहिए। राजन, आपके महल में चंद्रप्रभा नाम की एक कन्या है, जिसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं, और इन्हीं ग्रह नक्षत्रों के कारण राजन जो भी काम करते हैं वो सब गलत हो जाता है। पंडित जी, इसका कुछ उपाय तो होगा। राजन, इसका उपाय तो है, परंतु बहुत कठोर उपाय है। पंडित जी, हमें बताइए इसका उपाय कैसे होगा। देखो राजन, तुम्हें उस स्त्री का सिर काट के इस महल की नींव में दबाना होगा। यदि आप ऐसा कर देंगे तो आपका महल सतह बनना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा राजन, तो फिर मुझे आज्ञा होगी, मैं चलता हूँ। ठीक है पंडित जी, मैं इस पर जरूर विचार करूंगा। प्रणाम पिताजी। बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूं। हाँ, क्या आज्ञा है मेरे लिए पिताजी? बेटे, मैं ये किला बनाना चाहता हूं। इसका निर्माण नहीं हो रहा है। कश्मीर से विद्वान पंडित को बुलाकर मैंने इसका हल पूछा। तो क्या हल बताया पिताजी पंडित जी ने? उन्होंने कहा तुम्हारी पत्नी चंद्रप्रभा ही वजह है। और पंडित जी ने यह कहा उसका शीश काटकर किले की नींव में रखना होगा। क्या ऐसा कहा पंडित जी ने? नहीं पिताजी, ये काम मैं नहीं कर सकता। पर बेटे, उसके नक्षत्र ठीक नहीं है। Yeah.
बंसन मत ना मिटवावे, ओ बंसन मत ना मिटवावे। चंद्र प्रभा शिविर जगत मना दोहे ते पावे, ओ बहु ने मत ना मरवावे। भरे थे उनका के जवाब दूंगा, ओ बंस ने मत ना मिटवावे, ओ बंस ने मत ना मिटवावे। चंद्र प्रभा शिविर जगत मना तोहे करवावे, ओ बहु में मत ना मरवावे। शर्म नहीं याद राम के जो सिर तारू, ये छत्री का धर्म नहीं। ओ पिता मत ओली अलझावे, ओ पिता मत ओली अलझावे। चंद्र प्रभा शिविर जगत में तोहे तपावे, पिताजी इस विषय में तो मुझे चंद्र प्रभा से सलाह लेनी होगी। मैं अपने हित में जवाब चाहता हूँ। महाराज आप इतने उदास क्यों हो? चंद्र प्रभा मेरी उदासी का कारण बहुत गहरा है, आप इसको नहीं समझ पाओगी। आपके यहाँ से कौन सी बात है जो आप से मुझसे छुपी हो, तो ये बात क्यों?
शीश धरा जानी ममा किला पूरा भोराई सरतावन के रायु हो गया आज तक रालरी अपनी ब्याही का सिर तारों में ध्यान धरूं स्वर्ग लोक की राई का सुरग मिलो चाहे नरक है करुणा खोटा काम बुराई का अपने दरबार मेरी ये बूझ मन की जाही हो विकर्मा प्यार मेरी महाराज आप कोई बलिदान देना ही होगा। नहीं चंद्रपुर भाई क्या कह रही हो, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। नहीं चंद्र प्रभा ये काम मेरे से नहीं होगा, आप मुझे मजबूर मत करो। महाराज आप अपने पिता का आज्ञा पालन करो। नहीं मैंने पिताजी से इस बात के लिए माफ़ी मांग ली है, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। महाराज आपकी तो और शादियाँ हो जाएगी। नहीं चंद्र प्रभा ये काम मेरे से नहीं हो सकता। Thank you.
पिताजी ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे माफ करो। सुनो पुत्र, अब तुम्हारे लिए दो ही रास्ते बचे हैं, या तो अपनी पत्नी चंद्र प्रभा का शीश काट कर लाओगे, और नहीं तो 12 वर्ष वनवास को जाओगे। मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं चंद्र प्रभा का शीश नहीं काट सकता। चंद्र प्रभा, मुझे मेरे पिताजी ने 12 वर्ष का वनवास दे दिया है, मुझे वन को जाना ही होगा। नहीं महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं चंद्र प्रभा, ये तेरा काम नहीं है, वनवास मुझे हुआ है, आपको वनवास थोड़े ही हुआ है। आप यहाँ रहकर मेरे माता पिता की सेवा करो। नहीं महाराज, आपके बिना मैं यहाँ महल में क्या करूँगी। आप मेरे माता पिता की सेवा करना, ये वन का काम है, ये आपके बस का नहीं है। नहीं महाराज, मैं भी आपके साथ जंगल में वनवास काटने चलूँगी। माताजी, मुझे पिताजी ने 12 वर्ष का वनवास दिया है, मुझे वन जाने की आज्ञा दो। महाराज, आपका पुत्र जा रहा है, उसे रोकिए। जाने जाने जाने। नहीं महाराज, रोक लो उसे। मैं चलते चलते थक गई हूँ, कहीं बैठकर थोड़ा आराम करें। हाँ चंद्र प्रभा, देखो सामने एक बहुत गहरी छाया का पेड़ है, चलो वहाँ बैठ के आराम कर लेते हैं। चंद्रप्रभा, तुम्हें क्या हो गया चंद्रप्रभा? अरे बन में बिछड़े चली मेरी नार, एकला में छोड़ दिया बन में, एक बार बोले मेरी चली मजदार को ना
सांस तेरे तन मोलई नवाज नहीं पाई रे 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 किसी की रोने की आवाज आ रही है, चलो चलकर देखना होगा। हाँ चलो स्वामी। Yeah.
हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? अगर इसकी मृत्यु पर रो रहे हो तो रोना बेकार है, सब व्यर्थ है। मृत्यु एक कड़वा सत्य है, इसे स्वीकार करो। जो आया है उसे तो जाना ही होगा। हे माते, मेरा नाम मदनपाल है और ये चंद्र प्रभा है मेरी स्त्री। इसको किसी जहरीली चीज ने काट लिया है और इसके ऊपर मैंने माता पिता की बुराई ली और मुझे 12 वर्ष का वनवास मिला और आज ये मुझे छोड़कर चली गई। इसने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। अब बताओ मैं क्या करूं? हम सब जानते हैं पुत्र, पर अब कुछ नहीं हो सकता। भोले बाबा, कुछ तो उपाय होगा। स्वामी, आपका भक्त रो रो के अपनी जान देने को है, इसलिए मैं कहती हूँ इसकी पत्नी को जीवन दान देकर जिंदा कीजिए। उपाय है पुत्र, अगर तुम अपनी उम्र में से आधी उम्र इनको दे दो तो ये जीवित हो सकती है। बोले बाबा, अगर मेरी सारी उम्र भी इसको समर्पित कर दो तो भी मुझे कोई इसमें एतराज नहीं है, लेकिन ये जीवित हो जानी चाहिए। अगर आप अपनी पूरी उम्र इनको दे दोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी और ये जीवित हो जाएगी, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको कभी ऐसा लगे आपको अपनी उम्र चाहिए तो आप सिर्फ इनसे इतना कह दो कि मेरी दी हुई चीज़ मुझे वापस कर दो और उसी समय इनकी मृत्यु हो जाएगी और आपको आपका जीवन वापस मिल जाएगा। और देखो पुत्र, इस रहस्य को छुपा कर रखना और अपनी स्त्री को मत बरसलाना, अन्यथा ये वरदान क्षीण हो जाएगा। ठीक है बाबा, आपने अपने सत्य पुजारी की इच्छा पूरी कर ली। तथास्तु। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा उठ जाओ, उठो चंद्रप्रभा। स्वामी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? मुझे कुछ हुआ था क्या? नहीं चंद्रप्रभा, कुछ नहीं हुआ, पर आप मुझे वचन दो कि सदैव मेरे साथ रहोगी। हाँ, मैं वचन देती हूँ। मैं चलते चलते बहुत थक चुकी हूँ और भूख भी बहुत तेज लग रही है। अच्छा चंद्र प्रभा, देखते हैं कुछ करते हैं इंतजाम खाने का। समझा ले, पाया में पड़ गई छाले।
गई हो गोरी तो बैठे अड़ सस्ता ले धीर भर मन के माँ अन बस्तर का काम को ना बन के माँ चाहिए। साहिब हमें देर होगी, हम रास्ते से गुजर रहे थे और यहाँ रुकने के लिए हमें जगह चाहिए। मेरा नाम मदनपाल है और ये मेरी औरत चंद्र प्रभा है। हमें आपके यहाँ रात रुकने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। नहीं नहीं, मैं अनजान व्यक्ति को अपने कुटिया में रहने नहीं दूंगा। साईं साहेब हम आपसे बहुत विनती करते हैं, अंधेरा होने वाला है और हमें आप अपनी कुटिया में रहने के लिए जगह दो।
भगवान के लिए हमें रोक लो। ठीक है, खाना खा लो, कम पड़ जाए तो और बना देना। स्वामी मुझे प्यास लगी है। ठीक है चंद्रोरा, मैं देखता हूँ इधर कुआ होगा तो मैं आपके लिए कुछ पानी लेकर आता हूँ। इस तरह से वन में क्यों घूम रही हो अकेले?
से, मुझे अपने साथ रख लो। नहीं नहीं, आपके तो पति जिंदा है, मैं कैसे रख लूँगा। क्यों, आखिर क्यों नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, आपके पति जिंदा है, मैं नहीं रख सकता। रख लो ना मुझे अपने साथ। जाओ पहले अपने पति को मार के आओ, तब मैं रखूँगा। अच्छा तुम रख लोगे फिर मुझे। हाँ हाँ, फिर तो फिर मैं रख लूँगा, मार के आओ। ठीक है फिर मैं ऐसा ही करूँगी। ठीक है कर लो। ठीक है तो मैं आपकी। अच्छा हाँ। इतनी सी बात मैंने तो कुआं में डाला ही, बिल्कुल तुम हमारे को भी डाल सकती हो। भगवान के लिए मुझे अपने साथ रख लो, आखिर मैं कहाँ जाऊंगी अब। Bye.
ठीक है ठीक है ठीक है, तीन शर्तें हैं मेरी, वो तू मेरे लिए करेगी मैं तुझे अपने साथ रख सकता हूँ। पहली शर्त गाना बजाना, दूसरी खाना पकाना, तीसरी पर पुरुषों को रिझाना। मैं ये तीनों शर्तें स्वीकार करती हूँ, भगवान के लिए मुझे अपने साथ अब तो रख लो। ठीक है ठीक है ठीक है। देख रही है बड़ी दूर तक, ये सब अपने ही है, किसी दिन बहुत सा बड़ा एक महल बनाएंगे। ये प्रभा तुमने स्वीकार कर लो, तुमने मुझे धक्का दिया है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमने मुझे धक्का किसने दिया है? मैंने तुम्हें कोई धक्का वक्त नहीं दिया, कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती, छोड़ो मुझे। जब एक बार कह दिया जाए नहीं जानती तो फिर क्यों करते हो ऐसे? चंद्र प्रभा तुमने स्वीकार कर लो, तुमने मुझे धक्का दिया है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती? मैं क्यों करूँ स्वीकार, मैं नहीं जानती तुम्हें, छोड़ो मुझे। अच्छा तुम्हें स्वीकार नहीं करती तो साफ हाँ या ना बोलते? हाँ हाँ मैं नहीं जानती तुम्हें, छोड़ो मुझे। अच्छा नहीं जानती? नहीं। इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। हाँ हाँ। चंद्र प्रभा अगर तुम ये बात स्वीकार नहीं करती, तुमने मुझे कुएं में धक्का दिया है, तो मेरी दी हुई चीज मुझे वापस कर दो। अरे कौन सी चीज, आखिर मुझे क्या वापस करना है, मैं कुछ समझी नहीं। और अब समझने की जरूरत भी नहीं है,